नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में चल रहे थे, जिसमें हमने आपको टॉपिक नंबर 4 तक पूरा कंप्लीट करवा दिया है, प्रश्न संख्या 31 तक। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 5 से आगे, यानी 32 नंबर प्रश्न से आगे देखेंगे। हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस का शुरुआत किया था चेला, तो याद करो हमने आपको बोला था चेला आपको कहीं फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, है ना। हम केवल फ्रैक्शन के माध्यम से पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बिल्कुल आसान तरीका से, ताकि जब भी कभी प्रॉफिट लॉस से अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो बिल्कुल आप आसानी से उसका उत्तर दे पाए। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 5, प्रश्न संख्या 12। कहता रमन ने घड़ी 10% लाभ पर ब्रजेश को दिया, ब्रजेश ने उसे 5% हानि पर अरुण को दिया, अरुण ने 20% लाभ पर 12,540 रुपया मोहन को दिया। बताएं रमन ने इस घड़ी को कितने में खरीदा था। देखिए रमन का क्रयमूल्य पूछा गया, कितना में रमन घड़ी को खरीदा था। मान लेते हैं कि रमन जो है घड़ी को 8 रुपया में खरीदा था, रमन के नाम से ही मान लिए, है ना। रमन जो है घड़ी को कितना में खरीदा था, हमने मान लिया कि 8 रुपया में खरीदा था। यह जो है 10% लाभ पर बेचता है, अच्छा 10% लाभ पर बेचेगा, ज्यादा में बेचेगा, 110/100। यह पूरा रमन का विक्रयमूल्य हुआ, जबकि ब्रजेश को दे रहा है तो पूरा ब्रजेश का क्रयमूल्य हुआ। ब्रजेश ने फिर इसे 5% हानि पर, देखिए 5% हानि पर अरुण को देता है, 5% हानि का फ्रैक्शन लगा लीजिए 95/100। तो यह पूरा ब्रजेश का विक्रयमूल्य हुआ, जबकि अरुण को दिया तो यह पूरा अरुण का क्रयमूल्य हुआ। फिर यहां से देखिए पूरा अरुण का क्रयमूल है, 20% लाभ कमाकर अरुण जो है 20% लाभ पर अरुण जो है मोहन को देता है, और मोहन को कितना रुपया में देता है, देता है 12,540 रुपया में। अब आपसे क्या कहता है, कहता रमन इस घड़ी को कितने में खरीदा था, जिसको हमने मान रखा है 8 रुपया में खरीद रखा था, वही 8 का मान बताना है मेरे भाई, कैलकुलेट कर लो। यह हो जाएगा 19 × 5 = 95, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 20 से कितना बार में, 6 बार में। और देखिए एक सुनना, इधर काट करके हटा लीजिए। अच्छा आप देखो 19 से अगर काटोगे, 11 से काट लीजिए, 11 से एक बार में, फिर एक बार में 1140 बार में, 19 × 14 से काट लीजिए कितना बार में, 10 बार में, है ना। तो रमन का क्रयमूल्य पूछा था, जिसको हमने आर मान रखा था, तो आर बराबर 10 × 100 = 1,000 × 10, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपया। नहीं, रमन का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल आसान है प्रश्न। देखिए बस जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते जाइए। रमन का क्रयमूल्य पूछा था, जिसको हमने आर मान लिया, 10% लाभ पर ब्रजेश को दिया, यह हुआ ब्रजेश के लिए क्रयमूल्य, जबकि रमन के लिए विक्रयमूल्य। अब ब्रजेश 5% हानि पर अरुण को देता है, पूरा हुआ ब्रजेश का विक्रयमूल्य जबकि अरुण का क्रयमूल्य। अरुण 20% लाभ कमाकर जो है किसको देता है, मोहन को, और मोहन खरीदता कितना में, 12,540 में। रमन का क्रयमूल्य पूछा, आर का मान हो गया 10,000। चलो मेरे भाई अगला प्रश्न देखो। कहता ए जो है वह 10% हानि पर एक कार बी को दिया, बी 20% लाभ पर सी को दिया, सी ने 10% हानि पर डी को 14,580 में दिया, ए ने इसे कितने में खरीदा था, यानी ए का क्रयमूल्य चाहिए। अब देखिए ए का क्रयमूल्य को ए मान लेते हैं, ए जो है इस कार को ए रुपया में खरीदा था, अच्छा बी को 10% हानि पर बेचता है, तो 10% हानि पर बेचता है 90/100। ये देखिए यह पूरा ए का विक्रयमूल्य, जबकि बी को देता है तो बी का क्रयमूल्य मेरे भाई, बी जो है, अब देखिए बी का क्रयमूल्य है 20% लाभ पर सी को देता है, तो यह पूरा जो है बी का विक्रयमूल्य सी को दिया तो पूरा सी का क्रयमूल्य। अब सी जो है 10% हानि पर डी को देता है, चलिए 10% हानि का फ्रैक्शन लगा लीजिए 90/100, यानी इतना रुपया में डी खरीदा, यह पूरा जो है यह सी का विक्रयमूल्य जबकि डी का क्रयमूल है, और डी कितना में खरीदता है, इसको आंकड़ा कितना दिया है निश्चित राशि के रूप में, 14,580। नहीं मेरे भाई, कहता है बताएं ए ने इसे कितने में खरीदा था, ए का क्रयमूल बताना है चेला, जिसको हमने ए मान रखा है। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, देखो 20 से तो कट जाएगा 6 बार में, कट गया आपका 5 बार में, 2 सुन्ना काट करके यही हटा देते हैं, अच्छा 9 से काट लीजिए, 9 से कट जाएगा 1 बार में, नहीं, अच्छा 9 × 6 कितना हो जाएगा, 54, 9 × 2 = 18, 1620, है ना। फिर 9 से काटिए तो 9 इकाई कितना हो जाएगा, 9, है ना, अच्छा फिर 7, 9 ठीक कितना हो जाएगा, 72, 180,
छह से काट लीजिए, कितना बार में, 30 बार में। एक का क्रेमुल पूछा था जिसको हमने ए मान रखा है। अच्छा 30 गुना 5 150 और गुना 100 यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 15,000 रुपया। कितना? 15,000 रुपया। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी जो है सकी आपका राइट आंसर है। ए ने इस कार को कितना में खरीदा था, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 15,000। कितना में ये खरीदा था? तो 15,000 में खरीदा था, है ना। चलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे आते हैं। देखो कहता ए जो है एक वस्तु खरीदता है और बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी सी को जो है 10% लाभ पर बेचता है और सी को 924 में खरीदता है, इन्हें इसे कितने में खरीदा था, यानी ए का क्रयमूल चाहिए। चलिए ए का क्रयमूल को फिर ए मान लेते हैं। अच्छा ए बेचता है बी को 10% लाभ पर, लगा दीजिए सीधा 10% लाभ का फ्रैक्शन, है ना। अच्छा ये ए का विक्रयमूल हुआ, है ना, और जबकि बी खरीदता तो बी का क्रयमूल। अब देखिए ए बेचा बी को 10% लाभ पर, बी सी को बेचता 20% लाभ पर। चलिए बी जो है सी को बेचा 20% लाभ पर, यह पूरा बी का क्रयमूल जबकि सी का, बी का विक्रयमूल जबकि सी का क्रयमूल है, और सी को खरीदता कितना में है, 924 में। ए का क्रयमूल पूछ रखा है जिसको हमने ए मान रखा, ए का मान सीधा निकाल लेना है। चलिए 2 शून्य काट करके हटा लीजिए, 12 से काट लीजिए, बरसते कितना हो गया आपका 84, 77 बार में कट जाएगा, 11 से 7 बार में कट गया, यानी ए बराबर कितना मेरे भाई, यानी 700 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ए का क्रयमूल आपसे पूछा गया था कि ए जो इस वस्तु को कितने में खरीदा था, जिसको हमने हमने ए के रूप में ही मान लिया था, तो 700 रुपया में खरीदा था। कौन सा उत्तर मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखो क्या कहता है, कहता राम जो है एक पंखा 12% हानि पर गणेश को दिया। अंत में वही पूछा हो गया होगा, राम ने इसे कितने में खरीदा, तो राम का क्रयमूल पूछा, राम का क्रयमूल को आर मान लेते हैं। अच्छा 12% हानि पर गणेश को दिया, लगा दीजिए 12% हानि का फ्रैक्शन, 88/100। आगे मेरे भाई देखिए फिर क्या कहता, गणेश इतना में खरीदा, 10% लाभ पर माधुरी को दिया, 10% लाभ का फ्रैक्शन लगा लीजिए, 110/100। ये देखिए माधुरी का क्रयमूल हो गया, फिर माधुरी जो है इसको 15% हानि पर जयंत को दी, 15% हानि का फ्रैक्शन 85/100, और जयंत को दी तो जयंत इसको खरीदा इतना में, और जबकि प्रश्न के हिसाब से जयंत का क्रयमूल कितना दे रखा है, जयंत जो इस पंखा के लिए 822.80 रुपया यानी अदा किया है, यानी जयंत इस पंखा को 822.80 रुपया में खरीदा है। आपसे कहता है जयंत का क्रयमूल बताइए, सॉरी जयंत का नहीं, राम का क्रयमूल बताइए, राम ने इस पंखा का को कितना में खरीदा था, क्योंकि इस प्रक्रिया का शुरुआत राम से ही हुआ है। पहले राम खरीदता है, राम देता गणेश को 12% हानि पर, फिर गणेश जो है 10% लाभ पर माधुरी को, माधुरी 15% हानि पर जयंत को, तो राम कितना में खरीदा, जिसको हमने आर मान रखा है। देखिए 100 से गुना करेंगे, यहाँ दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए काट लीजिए, यहाँ हो जाएगा 70/25, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 20, है ना, 10 काट करके हटा लीजिए। अब देखिए आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा 11 से काट के देख लीजिए, 11 से कट जाएगा आपका कितना बार में, 11 से 7 बार में कट गया मेरे भाई, ना 7 बार में 77, फिर 5, फिर हो गया आपका कितना हो जाएगा आपका 5, 52, 11 + 4 कितना हो गया आपका 44, 8, यानी 7480 बार में कट जाएगा। अच्छा फिर 17 से काट लीजिए, 17 + 4 कितना हो जाएगा आपका 68, फिर 17 + 4 68, यही तो है। 88 से काट लीजिए, कितना बार में, यह कट जाएगा आपका 5 बार में। यही राम का क्रयमूल पूछा जिसको हमने आर मान रखा है, यही आर का मान आपको निकालना है मेरे भाई। तो देखिए ना 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 × 100 यानी कितना हो जाएगा आपका 1,000 रुपया। यानी राम जो है, है ना, राम जो इस पंखा को कितना में खरीदा था, तो 1,000 रुपया में खरीदा था। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यही पूछा गया था, राम जो इस पंखा को कितना में खरीदा था, तो 1,000 रुपया में खरीदा था। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। देखो क्या कहता है, ए ने एक रेडियो खरीदा और इसकी मरम्मत पर 110 रुपया खर्च किया, है ना, अब इसे 20% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने इसे सी को जो है 10% हानि पर बेचा और सी जो है 10% लाभ पर डी को बेचता है 1188 में। ए ने इस रेडियो को कितने में खरीदा था? देखिए एक बात सोचिए, कहता ए जो है इस रेडियो को कितना में खरीदा था, तो मान लेते हैं ए जो इस रेडियो को ए रुपया में खरीदा था, तो रेडियो खरीदा है। अब देखिए अगर आप दुकानदार हैं, हम दुकानदार हैं, तो
जो मेरा लागत कीमत होता है, वास्तविक जो लागत कीमत होता है, जैसे हम दुकानदार हैं, 100 रुपया का वस्तु खरीदे हैं, 5 रुपया उसके परिवहन में हमको खर्च लगा, तो वह तो क्रयमूल के दायरा में ही जाएगा ना, यानी वास्तविक क्रयमूल अब 105 रुपया हो गया। अब अगर लाभ कमाना है दुकानदार को, हमको अगर लाभ कमाना है तो 105 से ज्यादा में बेचेंगे तब लाभ होगा, है ना। तो केवल जो वस्तु परचेज किया जाता है वह कीमत क्रयमूल नहीं होता है, वास्तविक क्रयमूल जितना उस पर खर्च है, चाहे परिवहन का खर्च है, मरम्मत का खर्च हो, यह सब जुटने के बाद वास्तविक क्रयमूल का निर्माण हुआ करता है। लेकिन हमसे यह नहीं पूछा कि ए का वास्तविक क्रयमूल बताइए। कहता है ए ने इस रेडियो को कितना में खरीदा था, तो हमने मान लिया कि ए जो इस रेडियो को ए रुपया में खरीदा था, 110 रुपया इसके मरम्मत पर खर्च किया, तो वास्तविक क्रयमूल इसका कितना हो गया, ए प्लस में 110। लाभ कमाना होगा तब यहां से सोचेगा वो। लेकिन हमसे पूछा एक कितना में खरीदा था, ए में। अगर कहता एक का वास्तविक क्रयमूल बताइए तो उत्तर करना पड़ता ए प्लस में 110। चलिए एक का वास्तविक क्रयमूल हो गया। अब 20% लाभ पर यह बी को बेचता है, 20% लाभ पर बेच देता है बी को। अब देखिए इतना में बी खरीदा और फिर बी जो है सी को 10% हानि पर बेचता है। चलिए सी को 10% हानि पर दे दीजिए और आगे सोचिए क्या कहता है। और फिर सॉरी सी आगे भी है और सी जो है 10% लाभ पर डी को देता है, 10% लाभ पर डी को दिया और डी को कितना रुपया में देता है, 1188 में। कितना मेरे भाई, 1188 में। हमसे यही कहता ए जो इस रेडियो को कितने में खरीदा था, जिसको हमने ए मान रखा है, कैलकुलेट करके हटा लीजिए। चलिए 2 शून्य काट करके हटा लो मेरे भाई, 11 से कट जाएगा आपका कितना बार में, यह 108 बार में। 108 इधर काट लीजिए, बरनमा कितना हो गया 78 से, यानी ए प्लस में 110 बराबर में यह हो जाएगा आपका 1000। अगर वास्तविक क्रयमूल पूछता तो उत्तर यही छोड़ दिया जाता, लेकिन कहता ए रेडियो को खरीदा कितना में था, जिसको हमने ए मान रखा है, तो 110 घटा लीजिए, यानी 890 रुपया जो है कि आपका राइट आंसर होगा। क्या मेरे भाई, 890 रुपया आपका राइट आंसर होगा। कौन सा उत्तर करोगे आप, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए क्या कहता है, एक वस्तु का निर्माता यानी जो वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो वस्तु का निर्माण करता है, कहता है 25%। देखिए जो निर्माण किया वह 25% लाभ पर थोक व्यापारी को दिया, थोक व्यापारी 10% लाभ पर खुदरा व्यापारी को देता है, खुदरा व्यापारी 5% लाभ कमाकर मार्केट में इसको बेचता है 231 में। कहता निर्माता का लागत बतावे, जो वस्तु का निर्माण किया है, तो निर्माता का लागत को मान लेते हैं एक्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अच्छा जो निर्माता है वह 25% लाभ पर थोक व्यापारी को दिया। चलिए 25% लाभ पर थोक व्यापारी को दिया, आगे सोचिए, अब थोक व्यापारी 10% लाभ कमाकर खुदरा व्यापारी को देता है। हाँ अभी देखिए 10% लाभ कमाकर खुदरा व्यापारी को दिया, अब खुदरा व्यापारी मार्केट में 5% लाभ पर बेचता है, है ना, और मार्केट में इसका कीमत, खुदरा कीमत कितना है, 231 रुपया है। हमसे कहता निर्माता का लागत बतावे, जो वस्तु का निर्माण किया है जिसको हमने एक्स मान रखा है, एक्स का मान आपको बताना है। चलिए यह हो जाएगा 21 और यह कितना हो जाएगा आपका 20। 10 काट करके जैसे कि हटा दें, 21 दहें 210 और 21, 231 कट गया आपका। अब देखिए 25 से 4 बार में 5 से 20 बार में उड़ा दीजिए इसको, यानी एक्स बराबर अगर देखा जाए तो 40 × 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 160 रुपया। यानी जो वस्तु का निर्माण किया है उसका लागत कितना रुपया है, 160 रुपया। यानी वस्तु निर्माता का जो लागत है, जो वस्तु का प्रारंभ में निर्माण किया था, उसका लागत 160 रुपया है। चलिए आगे आ जाइए। हाँ देखिए अब यहां से थोड़ा हम प्रश्न को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, हाँ अगर कह दे कि बताइए थोक विक्रेता का लागत कितना है, तो यह 160 लागत है निर्माता का, थोक विक्रेता का लागत निकालना है तो यह लागत है, इसमें 125/100 यानी 5/4 से आपको गुना कर लेना है, वह थोक विक्रेता का लागत आ जाएगा। चलिए एक प्रश्न हम लेके आए भी हैं, एक्स्ट्रा लेके आए हैं, आपके पीडीएफ में नहीं था लेकिन यह एसएससी के एग्जाम में जो है एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया पीछे, तो हम इसको ले लिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए एक वाटर कूलर, अभी गर्मी का मौसम भी है, देख रहे हैं बहुत गर्मी पड़ रहा है, कूलर का जरूरत भी है आपको। हाँ ए जो है एक वाटर कूलर कुछ मूल्य पर खरीदता है, फिर देखिए तो ए का लागत को क्या मान लेते हैं, जैसे बनाते हैं आप बनाइए, अच्छा अब सुनो क्या कहता है, उसे 20% लाभ पर बी को बेचता है। चलिए 20% लाभ कमाकर बी को दिया और फिर बी जो है वह 10% लाभ कमाकर सी को देता है। हाँ अब देखिए सी जो है इसको कितना में खरीदता है, 6666 में। हमसे कहता बी का लागत बता, देखिए यहां प्रश्न है ना,
अभी तक आपने जितना भी प्रश्न का प्रैक्टिस किया था उसमें शुरुआत वाला का ही क्रेमल पूछा जा रहा था या बी का पूछा जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पीछे हमने हिंट कर दिया था आपको। हाँ दो सुनना काट लीजिए, 11 से इसको काटिएगा, 11 × 66 नहीं, फिर आपका 0 बार में यानी 606, 6 से काटिए, 2 बार में 6 से कट जाएगा आपका 101 बार में। अब दूसरे इसको काट लीजिए कितना बार में, 50 बार में, यानी ए का लागत अगर देखा जाए तो यह 505 पर एक सुन्ना बैठा दीजिए यानी 5050 रुपया। लेकिन हमसे ए का लागत नहीं पूछा, हमसे कहता बी का लागत। देखिए बी का लागत इतना है, यह बी का लागत है, तो बी का लागत निकालने के लिए क्या करोगे, 5050 इसमें गुना करेंगे 120 बटा कितना से, 100 से। चलिए दो सुन्ना काट करके हटा लीजिए मेरे भाई, तब 505 में 10 से गुना करोगे तो 5050 और उसमें 2 गुना करके जोड़ लीजिए, यह हो जाएगा 1010, जोड़ लीजिए यानी आपका उत्तर हो जाएगा 5050 प्लस में 1010 यानी 6060 रुपया। कितना, 6060 रुपया, 6060 रुपया आपका राइट आंसर होगा। यह है बी का लागत। अगर सी का लागत पूछता तो 110 बटा 100 से और गुना करना पड़ता, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हमेशा प्रारंभ वाला का ही पूछा जा सकता है, हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते ताकि आपके माइंड में यह प्रश्न उठ सके, क्योंकि चेला आपका टावर जहां पकड़ता है ना, वो टावर हमारा पहले पकड़ चुका है, इसलिए हम हर बात को सोच चुके हैं कि कैसे आपके मन में क्या सवाल जो है अंदर कलवली पैदा करेगा, है ना। तो कलवली को हम दूर कर लेते हैं पहले। चलिए अब इसको अगर बनाना चाहते हैं ऐसा ही सौ मान के, तो बिल्कुल आसान तरीका से बना लेंगे इसको, क्योंकि देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो कैलकुलेशन भी आसान होगा, है ना, क्योंकि अगर दूसरा पूछा जाएगा तो प्रतिशत मामला ऐसा नहीं कि 15-17 रहेगा ताकि आपको कैलकुलेशन भास्ट हो जाए। देखिए ए बी सी का चर्चा है, किसका किसका, ए बी सी का। ऐसा करते हैं, ए का लागत कीमत वाटर कूलर का 100 मान लेते हैं। अब देखो ए जो है बी को बेचता 20% लाभ पर, बेचो 20% लाभ पर, 120 में बेचा। अब बी जो है सी को 10% लाभ पर, अरे भैया 120 का 10 बार यानी 132 में बेचता है। आगे सुनिए, सी इसको खरीदता कितना में है, सी खरीदता 6666 में, जो मेरे हिसाब से 132 यूनिट का मान है। आपसे किसका क्रयमूल पूछा, बी का, बी का क्रयमूल कितना है लागत कीमत 120, यही तो है मेरे भाई। अब देखिए इसको काट लीजिए, यहां से अगर काटोगे तो यहां कितना हो जाएगा 60, 66 से काट लीजिए 101 गुना 60 यानी 6060 रुपये, 6060 रुपये आपका राइट आंसर है। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं प्रश्न को, है ना, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे मर्जी वैसे बनाइए, है ना, रट्टू मल नहीं बनना, प्रोसेस भी सीखिए और दिमाग का अप्रोच बढ़ाइए, कैसे जो एकदम हाई टेक्निकल दिमाग से जो है हम प्रश्न को आसानी से सुविधापूर्वक सोल्व करेंगे, ये सब दिमाग लगाते रहिए, है ना। उसके लिए खाइए पिए कस के, चिकन खाइए कस के, है ना, दूध का सेवन कीजिए, एकदम जितना दिमाग शरीर मजबूत होगा, शरीर जो हेल्दी होगा, दिमाग उतना ही मजबूत होगा आपका, है ना। चलिए अब शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 6 का, और एक बात हम यहाँ पर कह देना चाहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक नंबर 6 जो है ना चेला, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब सुनिए शुरुआत करते हैं, कुछ नहीं है, बस फ्रैक्शन से ही हम लोग सीखेंगे। अच्छा, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस का शुरुआत किया था चेला, तो हमने 3 नाम का जिक्र किया था। एक था कॉस्ट प्राइस यानी क्रयमूल, जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाता है वह क्रयमूल। एक था सेलिंग प्राइस, विक्रय कीमत, लागत कीमत से ज्यादा भी विक्रयमूल होता है, लागत कीमत से कम भी विक्रयमूल हुआ करता है, लाभ पर और हानि पर। जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है वह विक्रयमूल हुआ। और एक और नाम था जिसका नाम था एमपी यानी मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, इसको फेस प्राइस, फेस वैल्यू भी कहा जाता है, इसको हिंदी में अंकित मूल्य कहा जाता है। हमने चिल्ला आपको सिखाया था कि कोई भी दुकानदार जो है लाभ कमाने हेतु, डिस्काउंट देने हेतु अपना जो कीमत बढ़ा करके अंकित करता है, इसी को अंकित कीमत कहा जाता है। जैसे 100 रुपया का सामान है और बंदा सोच चुका है कि 20 रुपया का लाभ भी कमा लेंगे और 10 रुपया का ग्राहक को डिस्काउंट भी दिखा देंगे, तो कीमत 130 अंकित करेगा, यही अंकित कीमत है। चलिए आइए, एक व्यक्ति एक सिलाई मशीन 343 में खरीदा, वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे कि 30% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो, यानी आपको बताना है एएमपी, मार्क प्राइस, मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू। देखो कितना में सिलाई मशीन खरीदा है व्यक्ति, 343 में।
अब अपने ऊपर सोच के देखिए, हम ही दुकानदार हैं, 343 में खरीदे हैं, अब मेरा बेचने का स्थिति क्या है। हम चाहते हैं कि ग्राहक को 30% का डिस्काउंट भी दे दें और 20% का लाभ भी कमा ले। चेला मेरे, देखो लाभ चाहिए सबसे पहली बात है, तो कीमत ज्यादा रखना होगा, 120/100, 20% लाभ का फ्रैक्शन 120/100। चलिए यहां पर तो हम केवल लाभ कमा पाएंगे, हाँ अब 30% का डिस्काउंट भी दिखाना चाहते हैं कि ग्राहक आए और दे दे, ले भाई 20% के तोरा डिस्काउंट दे दिलियो हम, है ना, लेकिन अंदर अंदर तो हम घपला मार ले हैं, पहले लाभ के लिए बढ़ाकर कीमत रख ले। चलिए 30% डिस्काउंट का फ्रैक्शन 70/100, लेकिन डिस्काउंट देने के लिए कीमत बढ़ाना होगा 100/70। बस यहां से काटिए, 7 से काट लीजिए, 7 × 28, चलिए 7 × 28 6 7 9 63 49 × 12 490 और 98 यानी 588, कितना मेरे भाई 588 रुपया मार्केट प्राइस हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा इस सिलाई मशीन का, तब 30% डिस्काउंट देने हेतु और 20% लाभ कमाने हेतु, है ना। कोई भी दुकानदार इतना बुड़बक नहीं होता है मेरे भाई, है ना, कि डिस्काउंट क्रैमूल पे दे। डिस्काउंट तभी देगा जब बंदा कीमत को बढ़ा करके रखेगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, 1600 में खरीद कर एक वस्तु पर कितना मूल्यांकित करें, फिर वही बात, मार्केट प्राइस आपको बताना है, फेस वैल्यू बताना है, है ना। 1600 में खरीदा है, ग्राहक को 20% डिस्काउंट देना चाहता है, 12% का लाभ कमाना चाहता है। सबसे पहली बात है लाभ कमाना, कीमत बढ़ाना होगा 112/100, डिस्काउंट देना है और कीमत बढ़ाना होगा 20% डिस्काउंट का फ्रैक्शन 80/100, लेकिन कीमत बढ़ाने के लिए बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे। यह सब हम बहुत दिनों से ऐसा करते आ रहे हैं, चला परसेंटेज से ही ऊपर नीचे फ्रैक्शन को घुमाने के लिए आपको सिखा रहे हैं। बस हम यही बात बोलते हैं कि जो कहेगा फ्रैक्शन वही माइंड में सोचना है, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से बड़ा वाला ऊपर कभी छोटा वाला ऊपर, है ना। चलिए 80 से काट लीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में। अब देखिए 20 से गुना कर लिए, 0 × 2 = 4, 11 × 2 कितना होगा 22, यानी 2240 रुपया अंकित करना होगा, कितना 2240। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन 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 नंबर डी मेरे भाई, डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ, चला थोड़ा पानी पी लेते हैं मेरे भाई। चलिए हाँ देखिए, कल से थोड़ा सात, अब जो आपका टाइमिंग था 6 बजे ना, 6:30 बजे, 7 बजे ही आपका टाइमिंग रहेगा, कल से ऑफलाइन बैच जो पढ़ना चाहते हैं मैथ्स का, मैथ्स फाउंडेशन बैच या ऑफलाइन बैच है ना, ऑफलाइन बैच है जिसका टाइमिंग है, जो पटना में अवेलेबल है 6 से 7 शाम में, 6 से 7, और इसका इस बैच का जो फी है ऑफलाइन वाले का वह 4150 रुपये, 4150 रुपये। देखिए चले आपको ऑफलाइन में कितना कम में पढ़ाते हैं, पूरा कंटेंट्स देते हैं, तो जो भी पटना वाले लोग अगर देख रहे होंगे, तो आसपास के जितने भी आपके लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल मेरे नियंत्रण में, मेरे नजरों के सामने मार के चूर के, तो कल से शाम में 6 बजे बिल्कुल जो भी पढ़ने वाले उनको बता दीजिएगा, ज्वाइन कराओ, जो पढ़ने वाले हो तो बिल्कुल ज्वाइन कर लेंगे, है ना। चलिए आते हैं, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देता है, 1080 में खरीदी गई वस्तु पर 25% लाभ प्राप्त करना चाहता है, वह कौन सा मूल्य अंकित करना होगा उसे, वही मार्केट प्राइस, कितना में खरीदा चेला, खरीदा 1080 में, है ना। अब देखिए सबसे पहली बात है लाभ कमाना चाहता है तो कीमत बढ़ाना होगा 125/100, यहां तक तो केवल लाभ कमाएगा, अब डिस्काउंट देना चाहता है और कीमत बढ़ाना होगा, यानी 100/ कितना मेरे भाई 90, नहीं 10% का डिस्काउंट देना चाहते हैं और कीमत बढ़ाना पड़ेगा। चलिए काट करके हटा लीजिए, 90 से कट गया 12 बार में, है ना, 125 में 10 से गुना करोगे 1250 और 125 का दुगुना 250, 1250 250 यानी कितना मेरे भाई, ये हो जाएगा 1500 रुपया, यानी अंकित कीमत कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस 1500। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर है। चलिए अभी तक आपको इस टॉपिक में 3 प्रश्न हमने बतलाया, सबने क्रैमूल दे रहा, अंकित मूल्य आपको निकालना है। अगला प्रश्न पे आते हैं, एक वस्तु का क्रैमूल 100 है, 50% डिस्काउंट के बाद 50% का लाभ हो, वस्तु का अंकित मूल्य, फिर वही बात, है ना,
अच्छा कितना क्रय मूल्य है 100, दुकानदार जो है 50% का लाभ चाहिए उसको, 150/100, 50% डिस्काउंट देना और कीमत बढ़ाना पड़ेगा 100/50, 50 से काट लीजिए 3 बार में, यानी उसके लिए अंकित कीमत कितना हो जाएगा 6,300 रुपया। कितना मेरे भाई? 300। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर डी है जोश की, आपका राइट आंसर है 300। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं मेरे भाई, देखो क्या कहता है अगला प्रश्न। कहता है एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी, बट्टा मतलब डिस्काउंट, 26% का लाभ कमाता, वस्तु का अंकित कीमत 280 है। कहता है दुकानदार ने वस्तु को कितना में खरीदा था, यानी क्रयमूल्य बताना है आपको। पीछे हमने 4 प्रश्न ऐसा बतलाया इस टॉपिक में जिसमें क्रयमूल्य दिया जाता था और लाभ कमाने हेतु, डिस्काउंट देने हेतु अंकित कीमत पूछा जा रहा था। यहां पर जो है अंकित कीमत दिया गया है, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। देखिए 280 रुपया लेवल लगाया है, इसमें 26% का लाभ कमाता, लाभ कमा रहा यानी बंदा खरीदा होगा कम में नहीं, चलिए कीमत तो बढ़ा करके अंकित कर रखा होगा। अच्छा 10% का डिस्काउंट दे रखा है, इसका मतलब और कीमत बंदा बढ़ा कर रखता है, तब ने कीमत पर डिस्काउंट दे रहा था, इसका मतलब और कम में खरीदा था, है ना। चलिए 14 से काट लीजिए 9 बार में, 9 से 10 बार में, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 200 रुपया। कितना मेरे भाई? 200। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर है, यानी क्रयमूल कितना हो जाएगा? 200। दुकानदार का क्रयमूल कितना मेरे भाई? 200। यही आपसे पूछा गया था कि दुकानदार का जो है कि क्रयमूल बता दीजिए, यानी दुकानदार का क्रयमूल आपका कितना हो जाएगा? 200। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं और यह आज का आखिरी प्रश्न है, फिर आगे चर्चा हम वो उतना ही डोज आपको देते हैं जितना आप आसानी से पचा लीजिए, फिर कल चर्चा करेंगे हम लोग। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता, 20% का लाभ कमाता, अंकित कीमत 800 है, इसका क्रय कीमत देखिए 800 रुपया अंकित मूल्य है, यानी दुकानदार का इसमें डबल कंडीशन है, 10% का डिस्काउंट भी देता है, 20% का लाभ भी कमाता है। सबसे पहली बात, बंदा लाभ कमा रहा है, इसका मतलब खरीदा होगा कम में, डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब और कम में खरीदा होगा, 90/100, 30 से 3 बार में 4 बार में, 4 से कितना बार में मेरे भाई? 200 बार में, 200 × 3 कितना हो जाएगा आपका? 600 रुपया। इसका क्रयमूल कितना? 600। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह था आपका टॉपिक नंबर 6। अभी टॉपिक नंबर 6 में और भी सारा सवाल है, सब सवाल पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में। जो भी बच्चे मेरे फेसबुक पेज स्टूडेंट लाइफ से नहीं जुड़े हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो जहां आपको विधिवत व्यवस्था मिलता है हर जगह से जुड़ जाइए हमसे, ताकि एक भी चीज आपसे अधूरा या छूटा हुआ महसूस ना हो, है ना। चलिए और सभी लोग को जोड़िए भी, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।